बड़ी करुणा में दोनों हाथ उठाकर थाली के साथ मुख पे राधे राधे बोलिए सीधा पे जो स्वयं चली आई बोलिए Yeah.
कोई अनाउंसमेंट करो कोई भी भजन चल रहा अभी का भजन कर लो फिर कौन सा मेरी विनती है राधा राम बोलो आप हमारे आदमी हरे कृष्णा हरे आने वाली राधा सती की सबको बहुत बहुत बधाई आज महाराज जी हमारे बीच में सोचो मैंने बोला था मैं सब कुछ बोलिया क्योंकि महाराज जी की उपस्थिति में बोलना बड़ा मुश्किल है सबसे पहले मैं लेफ्ट राइट में वहां पर चिंतपट के रूप में विराजमान मेरे दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद अश्वत्थ चंद्र सिंह नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ जिन्होंने हम पर कृपा करी और उनकी कृपा की वजह से ही भक्ति विधान सनातन महाराज जी के ऊपर कृपा रही तीन चार बार भागवत हो चुकी है महाराज जी की समय बहुत मुश्किल से मिलता है 2023 पूरा फूल था लक्ष्मण मंदिर में हो चुके हैं महेंद्र गुप्ता जी का बड़ा मन था कि यहाँ शिव मंदिर के प्रांगण में भी महाराज जी वाले महेंद्र गुप्ता जी यहाँ के कोषाध्यक्ष हैं और पूरे कथा अर्चित कथा कीर्तन मतलब साल में 5-5 कथाएं यहाँ पर होती हैं और इन्होंने 7 साल पहले आपसे आग्रह किया था यहाँ के समय के लिए बड़ी भी धन आ गए समय के मिला क्योंकि बड़ी इच्छा थी कि यहाँ पर समय मिले और दीपक उत्तर जी पवन जी जो भी हमारी टीम है तो एकदम से हमें अचानक मिली 3 दिन पहले महाराज जी स्विट्जरलैंड थे हॉलैंड ऑस्ट्रेलिया पूरा टूर था उसमें कोई बात नहीं हो पाई सिर्फ मैसेज मैसेज पे सिर्फ मैसेज मैसेज पे टाइम दिया टाइम 2-3 दिन का था कैसे होगा घबराहट की पवन जी जो कि इस प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी थे इस प्रोग्राम के लिए इन्होंने कहा योगेश जी हो जाएगा 2 दिन में 1 दिन होगा तो भी हो जाएगा हमारे गुरिंदर अरोड़ा जी हमारे आरती जी नरेंद्र गुप्ता जी को फोन करा जो यहाँ के कोषाध्यक्ष है और पूरा डिसीजन मेकर है सारी व्यवस्था पूरी आत्मा इनके बसरी मंदिर में लास्ट ऑफ प्रोग्राम कराते थकते नहीं है तो सुबह 5:15 में सबसे पहले इनका मैसेज आता है शिव मंदिर जो हम आगे बोल रहे तो नरेंद्र गुप्ता जी को बोला तो मैं कहूँगा 1 मिनट के अंदर इन्होंने ओके कर दिया कि सारी व्यवस्था हो जाएगी आप महाराज जी इंद्रपुरी आ रहे हैं तो इंद्रपुरी वैसे स्वर्ग की नगरी है लेकिन महाराज जी आते हैं तो इंद्रपुरी वाली स्वर्ग की नगरी है तो मंदिर कमेटी महाविकाल की नरेंद्र गुप्ता जी जितना धन्यवाद मिल रहे और ये प्रोग्राम आयोजन आप और हम हैं सबने मिलके करा हमें चाहूंगा एक बार इतनी जोर की तालियां आप महाराज जी ने बजाए बहुत ज्यादा समय देश विदेश हर जगह वक्त है तो बड़ी मुश्किल से ये समय मिला जब हमने मंदिर रूप में डाला कई लोगों ने बोला कि भाई राधा जी तो 23 साल की है आप अभी पर आते मैंने आपके घर में जब शादी फंक्शन होता है तो आप लेडीज संगीत पहले करते हो मेहंदी की रात पहले करते हो भजन संध्या पहले माहौल बनाते हो इसके लिए शादी के फंक्शन अब आपको कोई शादी का फंक्शन होता है महाराज जी आपके लिए मैं बताता हूँ 23 सितंबर राधाष्टमी को महाराज जी फैदाबाद मठ अम्बाला मठ तो वहाँ बहुत बड़ा विशाल प्रोग्राम होता है इवन विदेश से लोग हवाई जहाज पकड़ पकड़ के उसके लिए आते हैं राधाष्टमी का जैसे हम जन्माष्टमी मनाते हैं वैसे राधाष्टमी तो पवन जी ने कहा हम अपने बर्थडे इतनी अच्छी तरह मनाते हैं और भगवत गीता और भागवत में लिखे भगवान ने स्पष्ट आदेश दिए कि जो मेरा त्यौहार है उसको भी आप धूमधाम से मनाओ उसको भी आप बहुत प्रचार करो तो वो इसकी वजह से हमारा संभव हो पाएगा तो मेन जो बड़ा फंक्शन है वो
23 सितंबर को फरीदाबाद में उसके लोकेशन में भेज हुआ, वो भी चलना चाहे। और शादी के बाद क्या हुआ, शादी के बाद ये घूमने जाते हैं तो वो हमारे घूमने के पोलो भाग मिलता था, वो गुरु के माध्यम से जा सकते हैं। तो मैं भी दोबारा मूवमेंट हुआ उससे पहले नरेंद्र गुप्ता जी जो कि रामायण के बड़े कर्मों के हैं, हजारों जो भैया जो है वो हमको है, मैं एक से अधिक कि मैं एक बार शिव मंदिर कमेटी की तरफ से आराधी का स्वागत हूँ। तो नरेंद्र गुप्ता जी, उसके बाद जो भी टीम आई है महाराज जी उनके लिए एक बार तालियां, और जब महाराज जी कथा करेंगे मैं भगवान को रहा हूँ उनको सारे पूरे कर दूंगी। पहले के टाइम पे अफसर है आप जी ऋषि मुनि की तपस्या रोक करने के लिए, आज तक एक पूरे अफसर है थोड़ी देर के लिए आप साइलेंट जब महाराज जी बोले इतना प्रिंट ऑफ साइलेंट होगा महाराज जी ज्यादा से ज्यादा कथा सुनेंगे हमारे आप। तो नरेंद्र गुप्ता जी को मैं सभी को जय श्री राम। योगेश ने इतना बोल दिया मोदी को जय श्री राम। मैं शिव मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से परम श्रद्धे भक्ति विधान सिद्धार्थ जी महाराज का स्वागत चाहूंगा जोरदार। मानस ने कहा संसद का क्षण एक पल भी है वो भी बहुत। चौपाई जैसे कहा भाई ऐसा है चौपाई आती है वैसे बड़े बड़े विद्वान बैठे कहता सब सूरज को चिराग बना होगा मानस में चौपाई आती बड़ी प्यारी बड़े भाग मानुष के रूपा सुन दुर्लभ सब ग्रंथे का ये बड़े भाव से मनुष्य का विकास। मैं अक्सर कहता हूँ इसलिए देवता को तरसते हैं कि हमें मनुष्य की ओर मिल जाए और हम भी दर्ज है वो भी नहीं ये मानुष की ओर बाबा साधन का मोक्ष का द्वारा ये साधन है मोक्ष के द्वारा जाने के लिए पाए में देने पर लोग सवाल जो इस मानुष धर्म के बात को लोग नहीं समझ सकते हमारी मनुष्य की योनि ना व्यर्थ है। तो मैं क्योंकि ऑलरेडी विलंब काफी हो गया ज्यादा विलंब ना करते हुए पूरी सभ्यता स्वागत करता हूँ जैसे मेरी परंपरा शिव मंदिर जी शिव मंदिर प्रबंधन आप से भक्तों का स्वागत करते हैं। इसका उद्देश्य यही होता है शिव मंदिर का कि ज्यादा से ज्यादा सत्संग करे ज्यादा से ज्यादा राम जी का नाम आपके गुण कर रहे जो परम श्रद्धे भक्ति विधान से भागे की माला हमें दर्शन करने वाले काफी दुर्लभ यहाँ पर कैसे मोबाइल वो बच्चों के साथ ही रखे। देखिए संसद में अगर किसी को किसी से परेशानी होती है तो ये भी एक कारण है। आप लोग पूर्व भागी बोलते दूसरे डिस्टर्ब करते आप लोग मेरे को सामने सामने आ जाता तो मेरा निवेदन गड़बड़ हो गया। निवेदन सभी ये संसद से जो दो मिनट के अंदर में चालू मिला है यहाँ से श्री चरण ले चलता हूँ आपको आइए जय श्री राम। इस चौपाई के साथ जय भी नाम हुए तो मोहरा हम जब गुरु धारण करते हैं या गुरु हमें शिष्य बनाते हैं तो कई बार जिन्होंने नहीं बनाया हम कहते हैं क्या हो रहा है। देखिए मैंने दीक्षा भी काफी समय पहले तो भगवान तो पहले भी थे कृष्ण पहले भी थे प्रसाद थे प्रसाद नाम पहले भी था ब्रज नाम पहले भी था भगवान की कथाएं पहले भी थी लीलाएं पहले भी थी। बट गुरु जब हमें अपने शिष्य के तौर पे अपनाते हैं खासकर मैं जब से भक्तिदास से नाम के नाम से मिला
जो फर्क पड़ा भगवान हमें और ज्यादा प्यारे लगने लगे, जिनके भी गुरु है महसूस करेंगे भगवान तो पहले भी थे लेकिन अब हमें भगवान और ज्यादा प्यारे लगने लगे। उनकी लीलाएं उनकी कथाएं जब महाराज जी ने वापस सुनी तो भगवान की लीलाएं और प्यारी लगने लगी। भगवान के धाम मैंने तो क्या बाकी कह रही है टिक्की लस्सी गए फैला के जय जय श्री राम, ज्यादा लोभ नहीं होता था। तो गुरु जब जीवन में आते हमारे जीवन में लोभ आ जाता है, हमारे पर भी संसारिक विषय गुरु होते हैं बट भगवान की कथाओं का भगवान के नाम का उनकी लीला का गोलेमठ से आए सभी भक्तों का साधन। हम पहले भी धाम यात्रा करते थे लेकिन कहते हैं कि धाम ढूंढे होते हैं आप दो दिन जाओगे करके आगे, लेकिन जब आप संतों के आश्रम में जाते हैं संतों के आश्रम में जाते हैं हर चीज का महत्व तब आपको समझ आएगा क्या लीला स्थली है क्या धाम है क्या भगवान की कथा है। तो सब जैसे गोवर्धन जाते हैं आजकल बैटरी वाले के घर में शॉर्टकट मारते हैं राधा को नहीं जाते हैं और धरती में प्लैनेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज महाराज जी ने बताया वो राधा को की है ठीक है सर। और बैटरी वाले बच्चे से जैसे गिर भी जाते और सबसे इंपॉर्टेंट वो देते हैं हमारे जो घोड़े बटके हुए तो राधा जी का कटाक्ष सुना होगा जनरल लोगों ने वो भी नहीं सुना होगा। तो ये संतों के आश्रय से ये सब चीजें होती है। देखो राधा जी के बारे में मैं एक शब्द नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी योग्यता ही है वो तो बड़े वैष्णव संत ही उस टॉपिक को छू सकते हैं राधा जी के विषय को। लेकिन आप जब थोड़ा बहुत समझ आया कि आपको किसी मिनिस्टर से काम कराना है आप डायरेक्ट जाओगे तो कई बार आपको वो काम नहीं करवाता पर जब आप किसी प्रियजन की सेवाई लगाते हैं उनकी धर्म पत्नी उनके बच्चे उनके भाई प्रिय तो आपको काम करते हो। तो गीता में किशन जी ने तो क्या गिवन टेक प्रोसेस है कि जाके रही भावना जैसी तो जितना परसेंटेज में भगवान को चलते हैं उतनी परसेंटेज में भगवान हमें ध्यान करते हैं उतना आशीर्वाद उतनी कृपा करते हैं। लेकिन राधा जी के साथ ये नहीं है जब राधा जी का बरसाने का और राधा जी के आश्रय संतों का आश्रय लेते हैं और उनकी कृपा से कृष्ण के पास पहुंचते हैं तो जो हमारी फाइल है पाप पुण्य की प्रारब्ध की राधा जी को फाइल फाड़ के हमें श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देती है कि ये राधा जी कहती है मेरा इस बात का राधा जी के थ्रू जो जाते हमारा जो गोड़े संप्रदाय है डायरेक्ट कृष्ण की तरफ नहीं जाता क्योंकि कृष्ण जी तो नाम बोल के रहते हैं आप कितना मेरा जप कर रहे हो कितना कर रहे हो उसी बात का। लेकिन राधा जी तो 5 मिनट के भजन से 5 मिनट के भाव से हम पर कृपा करती है। और अंत में मैं ये कहूंगा कि विभीषण जी एक थे तो और छुपाई को बोली कि हनुमान जी को बोला जब हनुमान जी वहां पर मिले लंका में उन्होंने एक छुपाई बोली जो आज के उपलक्ष्य में सार्थक है। अब वो ये भाव भरोसा अंदर से स्माइल करते हैं जब भगवान हमें प्रसन्न है तभी संत हमारे जीवन में आते हैं। एक तो संस्था यहाँ पर आई है बड़ी इच्छा थी कि मैंने बताया कह रहे कि हम पहली बार महाराज जी से मिलेंगे अगर महाराज जी अनुमति हो तो मैं 5-5 सेकंड में मैं करवाएगा। सबसे पहले हमारे वैश्य समाज हमारे जो पतियों का वैश्य समाज है इंदौरी नारायणा का उसके अध्यक्ष जितेंद्र जल थे जो कि महाराज जी पवन जल जी के बड़े भाई हैं आप उनके घर पे आए थे और जो भी आपके साथ आए वैश्य समाज के मैं जाऊँगा 10 सेकंड में आप भाई आशीर्वाद। उसके बाद मैं चाहूंगा योगा भारतीय योग संस्थान प्राची हमारे इंदौरी में सुशील भारतीय योग संस्थान है जो सुबह फ्री में योगा की क्लास कराता है 5.5 से 7.25 साल जिसमें योगा ध्यान मेडिटेशन प्राणायाम सब होते हैं और उसकी दे दी है कि मेरा भी कार्यक्रम जितना हो गया 2 महीने में। तो योगा की जो टीम आई है डोगरा जी संगठन मंत्री जिला मंत्री हमारे आर्य जी
सबका नाम और टाइम को आप जल्दी से एक बार होके लाए हैं, आपकी इच्छा थी मैंने राज्य से परमिशन किया, आप 10 सेकंड में अध्यक्ष है, इनकी भी इच्छा है पार्टी के भविष्य में कभी आपसे समय लेकर कुछ धार्मिक अनुष्ठान कराया जाए। राजू गांधी रणजीत सिंह साहब वैश्य समाज संघ है, आप हमने और एक हमारे समाज से भी काफी लोग हैं, उनके बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील बहुत राधे राधे, सभी को राधे राधे। Yeah.
कुछ स्वर में गायन करना है।
Sira, 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 S
कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। एक बार सभी बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम।
बोलो श्री राधा रानी की जय। अभी कुछ दिन पहले सारे विश्व ने कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया। मनाया कि नहीं? मैं सीधा कथा में ही आ रहा हूं, क्योंकि अभी सूचना देने का और औपचारिकता की कोई अभी जगह बची नहीं। बहुत कुछ कह दिया गया, इसलिए इतने सब कहने पे ही समय निकल जाता है और कथा का तो समय बहुत अल्प रह जाता है। हम बैठ जाओ वासुदेव। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सारे विश्व ने मनाया। आप लोगों ने मनाया कि नहीं? किस किस ने मनाया? हाँ, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी के साथ साथ राधाष्टमी का पर्व भी मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी सभी मंदिरों में मनाई जाती है, पूरे देश विदेश में हर जगह। लेकिन जो राधाष्टमी है वह कुछ ही एक स्थानों पर मनाई जाती है। सब समझते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी करने से ही सब कुछ हो जाता है, क्योंकि तो भगवान है। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे ऊपर की भी एक बात है, और वो बात वृंदावन की बड़ी प्रसिद्ध बात है। वृंदावन में जाओ, ये बच्चों को थोड़ा सा संभालो, माता तो आराम से कथा सुन रही है, बच्चे तुम खेलते रहो। अच्छा कोई बात नहीं, क्या बतला रहा था मैं? राधाष्टमी का पर्व बहुत कम स्थानों पर मनाया जाता है, क्योंकि वृंदावन की जो रीति, वहां पर वृंदावन जाकर हम लोग जय श्री कृष्ण नहीं सुनते, वहां क्या सुनते हैं? अरे बड़े होशियार हैं इंद्रपुरी वाले, है ना? वो कह रहे हैं कि ये इंद्रपुरी है स्वर्ग की नगरी। महाराज जी ने यहां पर स्वर्ग की नगरी को और स्वर्ग बना दिया। अरे स्वर्ग को और स्वर्ग थोड़ा बनाया जाता है, इंद्रपुरी को वृंदावन बनाना है, जहां पर वृंदावन की भूमि में जहां पर देवता का भी प्रवेश नहीं है, देवताओं का भी प्रवेश नहीं है। वहां पर कोई पुरुष भाव से जाता है तो उसको वृंदावन का भाव प्राप्त नहीं होता है। वहां पर तो जो गोपी भाव से जाता है, स्त्री भाव से जाता है, उसी को ही वृंदावन का भाव प्राप्त होता है, क्योंकि वहां पर पुरुष तो एक ही है और वो पुरुष है श्री कृष्ण, और कोई पुरुष नहीं है। पुरुष का मतलब अभिमान, पुरुष अभिमान, भोक्ता अभिमान। वृंदावन में सभी कृष्ण की ही सेवा करते हैं। ब्रह्मा जी ने इस बात को कहा, चिंतामणि प्रकृष कल्वशु, चिंतामणि प्रकृष कल्वशु लक्षवृत्ता। कहते हैं वहां पर जितनी भूमि है वो सब चिंतामणियों से भरी पड़ी है। एक ऐसी मणि होती है जिसको लोहे से स्पर्श कर दो तो वो सोना बन जाए। लक्षावृतेश सुरभिर अभिपाल यंतम लक्ष्मी सहत सत्यसम ब्रह्म सेव्यमानम
गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजा। ध्यान से कथा सुनो, इधर उधर मत देखो, क्योंकि आप इधर उधर देखते हो तो पूरा भाव कथा का खत्म हो जाता है। वृंदावन की भूमि चिंतामणियों से भरी पड़ी है, लेकिन वहां पर कोई चिंतामणि का आदर नहीं करता, वहां पर तो कृष्ण मणि है ना। जहां पर स्वयं कृष्ण मणि हो वहां पर एक साधारण चिंतामणि का क्या अर्थ है। इसलिए ब्रजवासी क्या करते हैं, वो चिंतामणि उठाकर कृष्ण की आरती उतारकर फेंक देते हैं, कोई उससे सोना वोना नहीं बनाता। जिस वृंदावन की भूमि में हर एक वृक्ष ऐसा है जैसे कल्पतरु वृक्ष, कल्पतरु वृक्ष वह वृक्ष होता है जिसके नीचे बैठकर जो इच्छा करो सारी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन सभी उसके वृक्ष के नीचे बैठकर एक ही कामना करते हैं, क्या हमारे कन्हैया हमारे श्याम सुंदर सब समय प्रसन्न रहे। नंद बाबा प्रार्थना करते हैं मेरे कन्हैया की आयु लंबी हो, सभी ब्रजवासी कन्हैया का ही सोचते हैं। जितनी गैया जितने पशु पक्षी जितनी लताएं पताएं पुष्प जितने गोप और गोपियां वे सब बस कन्हैया की ही चिंता करते हैं। समझ आ रही है बात, ध्यान से सुनना तब समझ आएगी बात। सब वहां पर कन्हैया की चिंता करते हैं, लेकिन कन्हैया किसकी चिंता करते हैं, ये बात आ रही है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नंद बाबा कन्हैया की चिंता करें, यशोदा मैया कन्हैया की चिंता करें, बलराम जी कन्हैया की चिंता करें, कृष्ण के सखा वो कन्हैया की चिंता करें, जितनी गोपियां वो कृष्ण की चिंता करें। लेकिन ये देखो वो जो सर्वनियंता सर्व ईश्वर हैं वो किसकी चिंता करते हैं, किसकी करते हैं, बड़े होशियार हैं सर, सब राधा रानी की चिंता करते हैं। इसलिए हम आपकी बात तो छोड़ दो, वृंदावन का एक एक लता पता एक एक पशु पक्षी भी क्या जपता है, इस तो छोड़ दो, स्वयं कृष्ण भी इस नाम का जप करते हैं। इसको राधा नाम का जप करते हैं, कहते हैं राधा नाम परम सुखदाई, राधा जी का नाम परम सुखदाई है, और बिना राधा जी के कृष्ण की आराधना अधूरी है। जैसे बिना सीता जी के राम जी की आराधना अधूरी है, राम राम कहने से नहीं चलेगा, क्या कहते हैं, सीता राम सीता राम सीता राम कहिए जाहे विधि राखे राम ताहे। एकमात्र राम जी की पूजा से नहीं होगा, जब तक सीता जी साथ में ना हो जुगल ना हो तब तक वो पूजा अधूरी है। नारायण की पूजा लक्ष्मी जी साथ में ना हो तो नारायण की पूजा भी अधूरी है, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा आराधना की जाती है। उसी प्रकार ये युगल उपासना ही सर्वश्रेष्ठ उपासना है। इसलिए जय श्री कृष्ण, कृष्ण की पूजा आराधना अकेली नहीं, राधा जी के साथ जब कृष्ण की उपासना की जाए तब तो वो पूरी है, नहीं तो वो अधूरी है, नहीं तो वो अधूरी है। इसलिए राधे कृष्ण 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 राधे राधे, ये मंत्र है जिसको हम किस प्रकार से गान करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये युगल उपासना का मंत्र है। और ये राधा ब्रजधाम क्या है, बोलते राधा जी की रजधानी लागे। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा, सबके दिमाग में भजन चल रहा है, कौन सा वाला,
ब्रज धाम राधा जू की रजधानी लागे महारानी लागे मनो कारो कारो जमुना जी को पानी लागे ओ मीठे रस से भरोनी राधा रानी लागे महारानी लागे मनो कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। ये राधा जी की रजधानी है, यहाँ की रानी तो राधा रानी है। जब राधा जी का नाम लेते हैं तो क्या बोलते हैं, राधा रानी की जय, महारानी की जय, ऐसे बोलते हैं ना। कोई तो ये नहीं कहता कृष्ण राजा की जय। यहाँ की एक ही रानी है, यही ठकुरानी है। लेकिन एक बात, अब आ जाओ मुद्दे की बात पर। कुछ भक्त लोग गाते हैं राधे राधे श्याम मिला दे, ये बोलते हैं ना। ये जो मंत्र है और जो कहना, ये दोनों ही गलत है। सावधान से सुनना और ध्यान से समझना इस बात को। राधे राधे श्याम मिला दे, राधे जी आप श्याम मिला दो, तो श्याम मिलाकर क्या करोगे? जब शाम मिल जाएंगे तो क्या करोगे? फिर हाथ पकड़ोगे, चरण पकड़ोगे, खिलाओगे, क्या करोगे? वो शाम राधा जी की चिंता में डूबे हुए हैं वृंदावन में, वो शाम राधा जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं, वो शाम तो स्वयं ही राधे राधे बोलकर राधा जी से मिलन प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं, और आप बोलो राधे राधे आप शाम मिला दो। अरे जहां पर श्याम स्वयं ही रो रहे हैं, जो राधा नाम ना हो तो श्याम बिचारो रो तो। यदि राधा जी ना हो और राधा नाम ना हो तो कृष्ण भी रोते रहे। क्यों ऐसा? ध्यान से समझना। राधा जी हैं कृष्ण की हलादनी शक्ति। हलादनी शक्ति मतलब होता है आनंद प्रदान करने वाली शक्ति। राधा जी कोई अलग वस्तु नहीं है, कृष्ण के ही जो आनंद है वो आनंद राधा जी के रूप में प्रकट है। श्री कृष्ण का जो आनंद है, जैसे एक अग्नि है, उस अग्नि में ताप भी है। कोई भी अग्नि, दीपक जलता है ना, उसमें क्या होता है? तेज भी है और ताप भी है, होता है कि नहीं होता? छोटी अग्नि हो बड़ी अग्नि हो, उसमें तेज भी है और ताप भी है। क्या उस तेज और ताप को कोई अलग कर सकता है? सोच कर देखो, कर सकता है? ऐसे ही राधा जी और कृष्ण को कोई अलग नहीं कर सकता, वो एक ही हैं। लेकिन हम लोगों को समझाने के लिए कि आध्यात्मिक प्रेम क्या होता है, वृंदावन का प्रेम क्या होता है, वो कृष्ण अपनी शक्ति को, आनंद शक्ति को बाहर प्रकट करते हैं। वो ही उनकी हलादनी शक्ति, आनंद शक्ति एक रूप धारण करती है। वो रूप है राधा जी, जो कृष्ण को भी आनंद पहुंचाए और जो सबको आनंद पहुंचाए, क्योंकि इनका नाम ही क्या है? आनंदमयी। ब्रह्म सूत्र कहता है आनंदमय अभ्यासत। कृष्ण साक्षात आनंद कंद है, लेकिन वो आनंद कंद तब है जब राधा जी उनके साथ में है, क्योंकि राधा जी उनको आनंद पहुंचाती हैं, इसलिए वो उनका एक नाम है आनंदमयी, जो कृष्ण को भी हलाद और आनंद पहुंचाए। इसलिए वृंदावन कौन कौन गया? हाँ, सारे गए लगभग। वृंदावन में बांके बिहारी जी कौन कौन गया? सब गए। वृंदावन में सेवा कुंज कौन कौन गया? अब ये 8-10 हाथ ही खड़े हुए हैं। वो तो वो क्या होता है सेवा कुंज? कोई लस्सी मिलती है वहां?
क्योंकि वृंदावन जाने का मतलब यही होता है, बांके बिहारे जी आपका दर्शन हो गया, चलो माला चढ़ा दी, बाहर आके टिक्की खाई, लस्सी पी, बोलो बांके बिहारी लाल की, हो गया वृंदावन दर्शन। बस आंखों की एक्सरसाइज हो गई, देखकर आ गए। क्या देखा? मैं तो 20 साल से जा रही हूं, तो 20 साल से जा रही है तो बांके बिहारी जी ने तेरे को कुछ कहा आज तक? नहीं, वो थोड़ा कुछ कहेंगे, वो तो मूर्ति है, मूर्ति थोड़ा ना बोलती है। अच्छा, तुम्हारे लिए मूर्ति है, वही बांके बिहारी जी किसी के पीछे पीछे चलने लग गए थे। इसे पुजारी जी क्या करते हैं? हाँ, प्रेम से देखने से ही वो बिहारी जी भक्त के पीछे पीछे चलते हैं, तो मूर्ति थोड़ी ना है, साक्षात भगवान विराजमान है वहां, ये तो प्रमाण है इस चीज का, ये प्रमाण है ना। लेकिन वृंदावन जाओ, थोड़ा आगे भी तो जाओ, वहीं गाड़ी खड़ी की, बांके बिहारी जी दर्शन किया, बस हो गया। आगे जाओ सेवा कुंज, नहीं पता तो किसी से पूछ लो, वहां सबको पता है। वो ऐसा स्थान, मैंने किसी से पूछा, भैया सेवा कुंज की महिमा क्या है? बोलते महिमा यह है कि वहां पर शाम को सब बाहर आ जाते हैं, बंदर भी नहीं टिकते वहां, बंदर भी नहीं रहते, संध्या के समय में सब बाहर आ जाते हैं वहां, है ना। ये महिमा है सेवा कुंज की? नहीं, जो आप निधिवन कह रहे हैं वो अलग है, ज्यादा होशियार बन रहे हैं। हम तो 30 साल वृंदावन रहे, हमको बता रहे हो, जो निधिवन कह रहे हैं वो अलग चीज है और सेवा कुंज अलग है। निधिवन में ठाकुर जी, राधा जी और कृष्ण का विश्राम होता है, तो निधिवन की बात नहीं कर रहा हूं अभी, सेवा कुंज की। पहले सेवा कुंज का दर्शन करो, बाद में अधिकार मिलेगा निधिवन जाने का। सेवा कुंज में क्या होता है? सारा संसार कृष्ण की सेवा करना चाहता है और देवी देवता भी कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भगवान के सेवक बनना पसंद करते हैं। ब्रह्मा जी ने रट लगा ली, गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामी, गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामी, गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप परम पुरुष हैं, आप आदि हैं, आपका कोई कारण नहीं है, मैं आपको भजन करता हूं। शिव भी भगवान की चरण धूल को प्राप्त करने के लिए, शिव भी दर्शन के लिए ललायत हो जाते हैं। जहां बड़े बड़े लोकपाल, दिक्पाल आकर, देवता भी श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, वहां पर सेवा कुंज में तो एक ऐसा दृश्य है सारे जगत से निराला। क्या दृश्य है? आपने ये देखा या सुना, देखा तो क्या होगा, लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरण दबाती हैं, दबाती है कि नहीं? सीता जी राम जी के चरण दबाती है ना, क्या राम जी कभी सीता जी के चरण दबाते हैं? सुना कभी? कभी नारायण लक्ष्मी जी के चरण दबाते हैं? नहीं। सीता जी कभी भी राम जी को चरण स्पर्श नहीं करने देंगी, कभी नहीं। जब वन में जा रहे हैं ना सीताराम जी, ध्यान से सुनना, जब वन में जा रहे हैं सीताराम, तो सीता जी के चरणों में यदि कोई कांटा लग जाए तो राम जी चिंता में पड़ जाए, अब क्या करो, क्योंकि लक्ष्मण जी तो चरण स्पर्श कर नहीं पाएंगे, लक्ष्मण जी सीता जी के चरण स्पर्श नहीं करेंगे और राम जी को वो करने देंगी नहीं, मर्यादा है ना।
लक्ष्मण चरण स्पर्श कर नहीं सकते और राम जी को करने देंगी नहीं, क्योंकि वहां पर मर्यादा है। सीता जी अपने ही परिश्रम से, अपने हाथ से ही वो कांटा ये सब निकालती। राम जी को भी हृदय में पीड़ा होती है, क्योंकि मैं सेवा करना चाहता हूं, सीता मेरे कारण ही तो आई, लेकिन राम जी को स्पर्श करने नहीं देंगी, वह मर्यादा है। लेकिन ब्रज की लीला ना जानो गुड़ को छीला, यहां ऋषि मुनि गए हार और जपे जा, यहां पर मर्यादा नहीं है, यहां पर प्रेम है। प्रेम मर्यादा से ऊंचा होता है। कैसे ऊंचा होता है? आपका कोई बेटा 10 साल के लिए आपको छोड़कर कहीं पढ़ने चला जाए, है ना, बहुत दूर कहीं अमेरिका में चला जाए, सोचकर देखो जब वो जाएगा आपको प्रसन्नता होगी कि मन दुखी होगा? 10 साल के लिए जा रहा है। हम देखते हैं एयरपोर्ट पर माता गले लगाकर इतना रोती है, बेटा अब तो तू आ नहीं पाएगा, कितनी दिवाली निकल जाएगी, कितनी होली निकल जाएगी, कितने त्योहार निकल जाएंगे। और बेटा ने भी बोल दिया, मां 10 साल से पहले नहीं आ पाऊंगा। सोचो उस पर क्या बीतती है। और वही बेटा जब 10 वर्ष के बाद आता है तो माता के हृदय में कितनी उमंग होती है, कितना उल्लास होता है, उसको गले लगाऊंगी, हाँ कैसा होगा, अब तो बड़ा हो गया होगा, समझदार हो गया होगा, सयाना हो गया होगा। 10 वर्ष के बाद अब वो जब आता है तो मर्यादा क्या कहती है? पहले आकर माता के चरण छुओ, बड़ों के चरण छूने चाहिए, ये तो हमारी सभ्यता है ना, ये संस्कार है ना, तो मर्यादा ये कहती है पहले आके माता के चरण छुओ। लेकिन माता ने जैसे ही अपने पुत्र को, अपने लाल को देखा, तुरंत देखते ही उसको जो गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोती है। बेटा भी रोता है, मां भी रोती है, मर्यादा का उल्लंघन हो गया ना। समझ आ रही बात समझ आई कि नहीं? यहां पर मर्यादा का उल्लंघन हो गया। मर्यादा कहती है पहले माता के चरण छुओ, उनके चरणों में 2 पुष्प अर्पण करो। लेकिन वहां पर प्रेम इतना ऊंचा है, प्रेम इतना गाढ़ा है कि वह मर्यादा की कोई स्थान ही नहीं रह गया, वहां प्रेम ऊंचा हो गया। बस यही बात है, उदाहरण के रूप में समझाया। वृंदावन में प्रेम इतना ऊंचा है कि वहां पर मर्यादा को उठाकर फेंक दिया, मर्यादा वहां पर नीची हो गई, प्रेम ऊंचा हो गया। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सदाई। वहां पर सेवा कुंज में दृश्य ये है कि श्री कृष्ण राधा जी के चरण दबाते हैं, और किसी अवतार में, किसी स्थान पर, कहीं पर भी ये दृश्य देखने को नहीं मिलता है, कहीं पर भी। ये एकमात्र वृंदावन का ही महिमा है, उसका ही महात्म्य है ना, कि जहां पर कृष्ण राधा जी के चरण दबाते हैं। देखा, नारायण जी तो लक्ष्मी जी के चरण दबाएंगे नहीं, मर्यादा है। राम जी सीता जी के चरण दबाएंगे नहीं, मर्यादा है। लेकिन यहां पर मर्यादा से भी ऊंचा प्रेम है। क्या है? अभी आ रहा हूं उस बात पर, ध्यान से सुनना। मुझको ये नहीं समझ आता, घर में तो बातें करते हैं, कथा में भी 1-1.5 घंटा सुन नहीं सकते, उसमें बातें खत्म नहीं होती, बातें खत्म ही नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। बड़ा आश्चर्य होता है देखकर।
राम जी, और यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, वृंदावन की, ब्रज की। कथा बोरिंग है ना, कथा बोरिंग है, यहां तो फिर समझ नहीं आ रही। दोनों में से एक काम हो सकता है। समझ आ रही है, किस किस को आ रही है? नहीं, मुझको तो लग रहा है बड़ी बोरिंग कथा, क्या लेकर बैठ गए, कभी सुना ही नहीं। ये राम जी, ये कृष्ण जी, ये मर्यादा जी, ये प्रेम जी, ये क्या है? अब जी का ही तो वर्ल्ड है, जी भी चल रहा है, 4G 5G, अब तो G20 और यहां तो बहुत सारे जी है। थोड़ा कुछ सुन लो, कुछ समझ आ जाएगा। देखो मैं कहां था और कहां से कहां ले आए। श्री कृष्ण यदि राधा जी के चरण दबाएं तो आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात नहीं हो गई। राम जी सीता जी के चरण दबाएंगे नहीं, नारायण जी दबाएंगे नहीं, कृष्ण दबा रहे हैं, चरणों की सेवा, चरणों पलोट रहे हैं, कौन सी बड़ी, बहुत बड़ी बात हो गई। जिनके चरणों में सब झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, और वो अपनी ही शक्ति राधा जी के चरण दबा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, इसलिए उस स्थान का नाम ही क्या हो गया, सेवा कुंज। इस दृश्य को देखकर बड़े बड़े देवता की आंख फट गई, ये क्या हो रहा है? लेकिन देवता भी इस बात को नहीं समझ पा रहे कि यहां पर हो क्या रहा है। अब नाम है सेवा कुंज, कृष्ण राधा जी के चरण दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो राधा जी क्या कर रही हैं? वो चरण दबवा कर सेवा कर रही हैं। ये तो बड़ी उल्टी बात है। अगर मैं आपको कहूं मेरे चरणों में दर्द हो रहा है, जरा आके दबा दो, तो कोई भी आकर चरण दबाएगा वो तो सेवक हो गया और मैं उसका स्वामी हो गया, यही बात है। तो ये एक साधारण भाषा है, लेकिन इसके ऊपर भी एक बात है। सेवक चरण दबाकर सेवा कर रहा है और स्वामी चरण दबाकर भी सेवा कर रहा है। अब यही है उल्टी रीति जो ब्रज की रीति है। इसलिए प्रेम की जो धारा है वो सीधी नहीं बहती, प्रेम की धारा उल्टी बहती है। सारी नदियां सीधी बहती हैं और प्रेम की नदी उल्टी बहती है। राधा जी कैसे सेवा कर रही है, जानते हो कैसे कर रही है? आप सब लोग यहां पर आए, मेरे को बुलाया, भक्तों को बुलाया, इतना अच्छा आयोजन किया सबने मिलकर, हमारे गर्ग जी ने, योगेश जी ने, विकास ने, दीपक सब ने मिलकर सब कुछ, आप लोग भी बैठे हो, और मैं नीचे गेट तक आ गया, उसके बाद मैं कहता हूं मेरे को नहीं करना, मैं जा रहा हूं, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा बताओ, किसी को अच्छा लगेगा? इसका मतलब मैंने आपका मन दुखाया। और यदि अच्छा सा आयोजन किया और मैं बड़ी प्रसन्नता से आया, आपको अपने हृदय की बात, वृंदावन की बात को कह रहा हूं, भक्त लोग इतने परिश्रम करके आपको कीर्तन सुना रहे हैं, इसमें आपका मन प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? तो जो आपका मन प्रसन्न हो रहा है, हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आप सब मिलकर सेवा कर रहे हो। ये पूरा का पूरा स्थान ही सेवा कुंज है, जहां पर कथा में सब एक दूसरे की सेवा ही करते हैं, कोई मालिक नहीं है यहां,
कोई आयोजन बनाकर सेवा करता है, कोई गाकर सेवा करता है, कोई सजाकर सेवा करता है, कोई रोशनी बनाकर सेवा करता है और कोई कथा बोलकर सेवा करता है। ये सारी सेवा ही सेवा है जिसमें एक दूसरे को भगवान का नाम और कीर्तन सुनाकर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। इसलिए ये सेवा का स्थान है, यहाँ कोई मालिक कोई स्वामी नहीं है, यहाँ पर हम सब दास हैं। आप कथा सुनकर सेवा कर रहे हो, मैं कथा सुनाकर सेवा कर रहा हूं, ये बात है। ना ताली के लिए मैं नहीं आया, आप लोगों को एक बात समझाने आया। यहां पर कोई वो हिसाब नहीं है, महाराज जी आए कथा सुनाएंगे एक घंटा का 11,000 रुपए लेंगे, ऐसा कुछ होता है? ये कोई मंडली वाले नहीं है, ये बड़े बड़े इंजीनियर्स बैठे हैं यहां पर, ये जिन भक्तों को आप देख रहे हो ना यहां, ये बड़े बड़े घर के PhD मास्टर्स किए हुए बैठे हैं। आप लोगों को लग रहा है साधारण बैठे हैं ऐसे ही बस, आपका कोई पैसा वैसा लेने नहीं आए हैं, आपको ब्रज की बात समझाने आ रहे हैं जो किसी मंदिरों में नहीं सिखाई जाती। स्पष्ट रूप से कहूंगा, अध्यात्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म की शिक्षा क्या है, जहां पर जिस मंदिर में जिस संस्था में जिस स्थान पर इस बात को सिखाया जाता है वही वास्तव में सत्य है। हम भगवान जी के पास जाते हैं प्रणाम कर देते हैं, फिर चरणामृत ले लिया, प्रसाद ले लिया, हाँ थोड़ा चढ़ावा चढ़ा दिया, वो बड़ा धर्म का काम कर लिया, बस यहीं तक सारा जीवन सीमित रहेगा ना, इससे आगे भी बढ़ेंगे? सारी उम्र निकल जाती है, 50, 60, 70 साल, लेकिन दिशा ही नहीं पता लगती। दिशा क्या है, मैं कौन हूं, मेरा जीवन क्या है, और मैं एक दिन बूढ़ा होकर मर जाऊंगा फिर क्या होगा? अभी मैं जवान हूं, लेकिन बेटा कितने दिन जवान रहेगा? तुम भी तो 55-60 का होगा एक दिन, और फिर 80 का भी होगा, और फिर 90 का भी, और फिर तो जाएगा भी, सारा जीवन निकल जाता है। यही नहीं पता लगता अध्यात्म क्या है, यही नहीं पता लगता मैं हूं कौन, मैं गर्ग विजय वर्ग ये शर्मा अग्रवाल ये नहीं हूं, इससे पहले क्या थे? अगर 55-60 साल के हो गए, मैं बोलूंगा 60 साल से पहले कौन सी जाति के थे? शर्मा थे कि अग्रवाल थे, पता है? और इसके बाद कौन सी जाति के होंगे ये भी पता है क्या? बस 80-90 साल का जो स्थान है उसी को ही बस बड़े अभिमान से हम बनिया हैं, हम अग्रवाल हैं, बस 80 साल के लिए अभिमान, इतने में ही बस मौज मस्ती, इससे आगे उठना है, इससे आगे तो बढ़ो। अध्यात्म क्या है उसको तो समझो, इसलिए उसके लिए एक शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है, और इसके लिए भागवत की कथा और सत्संग का आयोजन किया जाता है, जहां पर थोड़ी देर के लिए हम कुछ सीखे तो सही, क्या है मेरा जीवन, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां मुझको जाना है, ये क्या यात्रा है, ये है क्या सब, ये धाम क्या होता है, ये भगवान क्या होते हैं, ये जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, ये राधाष्टमी क्यों मनाई जाती है, इन सब विषयों पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसी के लिए हम लोग स्थान स्थान पर जाकर चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि भैया थोड़ा सा अध्यात्म को समझो, थोड़ा तो सनातन धर्म को समझो, आप भी सनातन हो,
ये धर्म भी सनातन है, भगवान भी सनातन है। जैसे भगवान सनातन है, हम भी सनातन हैं, और हमारा उनके साथ जो संबंध है वो भी सनातन है। इसलिए ये सनातन धर्म है, इसलिए सनातन धर्म है। तो इसलिए सारे संसार का नियम एक तरफ और वृंदावन का नियम एक तरफ, एकदम अनूठा अलग है। जहां पर सारे जगत का जो स्वामी है वो घर घर में जाकर माखन की चोरी करता है, बताओ कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान इच्छा करे और उनको मिल ना जाए, हो सकता है? अरे देश का प्रधानमंत्री कुछ इच्छा करे तो सब सामने आ जाता है, ये तो भगवान है। वो भगवान है क्या? भगवान को इच्छा करें तो सब सामने आ जाए, फिर घर घर में जाकर माखन चोरी करते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा व्यक्ति और ये काम करे तो, है ना? ऐसे ही जहां पर स्वयं श्री कृष्ण उस वृंदावन में, उस ब्रज धाम में राधे 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 जपते हैं, रोते हैं, क्यों? राधा जी का जो प्रेम है इतना ऊंचा प्रेम है, उन्होंने अपना सब कुछ कृष्ण को निछावर कर दिया, सब कुछ। श्री कृष्ण से चरण की सेवा जो ले रही है ना, सेवा कुंज में, वहां पर सेवा कर रही हैं, सेवा ले नहीं रही हैं। कैसे? राधा जी को अच्छे से पता है कि कृष्ण यदि मेरी कोई सेवा करते हैं उनको आनंद लगता है, वो स्वयं करना चाहते हैं। सीता जी के साथ एक मर्यादा है, राधा जी के साथ मर्यादा नहीं है, वो मर्यादा से एक अलग स्थिति है। वो स्थान भी अपने स्थान पर पूजनीय है, उन्होंने पूर्ण मर्यादा दिखलाई, उसको कोई इंकार नहीं कर सकता, वो स्थान भी पूजनीय है जो सीता जी का भाव है। लेकिन राधा जी का भाव भी अपने आप में बड़ा ऊंचा भाव है। और वो क्या? यदि कृष्ण आपको मेरी सेवा करके चरण दबाकर सुख लगता है तो मैं उस मर्यादा को भी तोड़ दूंगी, आप चरण दबाओ। तो कृष्ण चरण दबाकर सेवा कर रहे हैं और राधा जी चरण दबवाकर कृष्ण की सेवा कर रही हैं, क्योंकि यही भगवान चाहते हैं, इससे उनको आनंद और सुख लगता है, आनंद और सुख लगता है। जैसे दशरथ जी ने दो बार राम कहा और अपने देह को त्याग दिया, राम जी के विरह में राम राम बस दो बार राम कहा और अपने देह को त्याग दिया, है कि नहीं? क्योंकि राम जी वन में है, ऐसे ही कृष्ण भी वृंदावन छोड़कर चले गए। 10 वर्ष 2 महीने की आयु में वृंदावन धाम छोड़कर मथुरा और द्वारका चले गए, और पीछे से उनके पिता भी, नंद बाबा भी, सारा दिन कृष्ण 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 करते हैं, लेकिन अपने प्राणों को नहीं त्याग रहे। दशरथ जी की तरह अपने प्राणों को नहीं त्याग रहे, ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि यहां पर नंद जी का भाव क्या है, यही विशेषता है वृंदावन की, ब्रज धाम की। यहां पर नंद जी का भाव यह है, यदि कृष्ण को पता लग गया कि उनके विरह में, कृष्ण के विरह में उनके पिता ने, नंद महाराज ने अपने देह को त्याग दिया, ये सुनकर कृष्ण को दुख लगेगा, मेरे लाला को, मेरे पुत्र को दुख लगेगा, और मैं उस दुख का कारण बनूंगा, इसलिए नंद जी अपने देह को त्याग नहीं रहे हैं। अपने पुत्र के विरह में देह त्याग रहे हैं दशरथ जी, उनकी महिमा अपने स्थान पर है, लेकिन उससे ऊपर भी एक महिमा है, एक स्थान है, जहां पर नंद जी वो विरह को बस सहन करते जा रहे हैं,
करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, वो विरह ऐसा है जैसे बिच्छू का डंक होता है, उसमें इतना कष्ट है लेकिन सहन कर रहे हैं, लेकिन शरीर नहीं त्याग रहे। बोलते कृष्ण के विरह में मैं हजार बार शरीर त्याग दूं लेकिन ये सुनकर मेरे कन्हैया को दुख लगेगा और मैं उस दुख का कारण बनूंगा, इसलिए मैं अपने देह को त्याग नहीं करूंगा, वो कष्ट मैं स्वयं सहन करूंगा। यह है मर्यादा से भी एक ऊंचा स्थान। यहां पर है प्रेम, प्रेम वहां भी है लेकिन वहां प्रेम थोड़ा सा मर्यादा के साथ सटा हुआ है, और यहां पर कोई मर्यादा नहीं, यहां पर प्रेम इतना ऊंचा है। इसलिए वृंदावन में सब राधे राधे बोलते हैं, जहां पर पशु पक्षी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तोता क्या बोलता है, मोर क्या बोलता है, गैया क्या बोलती है, अच्छा दुकानदार क्या बोलते हैं, वो राधे राधे थोड़ा, वो तो आपसे काम निकलवाना चाहते हैं, वो लादे लादे बोलते हैं और लगता है क्या बोल रहे हैं, राधे राधे। और हम आप भी जाएं तो क्या बोले, वहां पर भगवान भी राधे राधे बोलते हैं। राधा श्री कृष्ण हाथ जोड़कर राधा जी से कहते हैं, मैं आपका प्रेम का पार नहीं पा सकता, आपका प्रेम इतना ऊंचा है राधा जी, वहां तक तो मेरी भी पहुंच नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं मेरा प्रेम सारे भक्तों में बटा पड़ा है लेकिन राधा जी का प्रेम एकमात्र कृष्ण में ही बसा हुआ है, वो बटा हुआ नहीं है, एकमात्र कृष्ण में ही बसा हुआ है, वो कृष्ण को छोड़कर और कुछ नहीं जानती, इसलिए उनका एक नाम है कृष्णमयी। ये राधा जी की महिमा है। इसलिए जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व तभी पूर्ण माना जाता है जब राधाष्टमी का पर्व भी मनाया जाता है, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। और वो मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आप सब राधा जी के भक्त हो, है ना, सब राधे राधे बोलते हो और राधा जी का भजन सुनते हो, इसलिए राधाष्टमी कब आ रही है योगेश जी, सबको पता है कौन सी, 23 इसी महीने की, तो हाँ 23 तारीख शनिवार को हम लोग फरीदाबाद में बड़े जोर शोर से, होश से तो नहीं क्योंकि वहां सारा होश खो बैठते हैं सब, ये इंद्रपुरी से हमारे 10-15 भक्त लोग आते हैं हर साल, इनसे पूछ लेना, ये साक्षी है वहां के, जोर शोर से करते हैं, होश तो ये भी खो बैठते हैं वहां, इतना सुंदर भजन होता है, इतना सुंदर कीर्तन होता है और कथा होती है और राधा जी का भंडारा चलता है खूब। अब कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो 12 बजे तक बेचारे व्रत कराते हैं हमसे, खा भी नहीं सकते, ठीक से मना भी नहीं सकते, होता है ना, लेकिन राधाष्टमी में तो कोई व्रत ही नहीं। हाँ एक व्रत है राधाष्टमी का भी, जानते हो क्या, रामनवमी का व्रत होता है, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत होता है रात को 12 बजे तक, कुछ लोग निर्जला करते हैं, कुछ को फलार करते हैं, फिर 12 बजे के बाद अभिषेक के बाद फिर व्रत को खोलते हैं ना, राधा अष्टमी का एक ही व्रत है, जानते हो क्या, बता सकते हो, कौन बताएगा, नहीं बता सकते, राधा अष्टमी का व्रत है, उस दिन क्या बोल रहे हैं, उस दिन राधे राधे बोलो, यही व्रत है, जितना ज्यादा राधे राधे बोलो उतना ही फल की प्राप्ति है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप सभी माताओं को, सबको भक्तों को मैं हाथ जोड़कर निमंत्रण देने आया, विनती करने आया कि जैसे आपने हमको यहाँ पर बुलाकर हमारी सेवा की है, हमको स्वागत किया, निमंत्रण दिया, ऐसे ही मैं आप सबको फरीदाबाद में बुलाकर हम भी आप सबकी सेवा करना चाहते हैं, आपको निमंत्रण देने आया। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है सबसे, जन्माष्टमी तो आप सभी मंदिरों में मनाते हैं, राधाष्टमी एक बार हमारे साथ मनाकर देखो, और अधिक जानकारी के लिए योगेश और विकास इन सब से बात कर लेना, ये आपको बता देंगे, आप सबको बता देंगे,
बता नहीं देंगे, आप लेकर आना, नहीं तो आपकी एंट्री बंद है वहां। यहां से पूरी 2 बसें बुक कर लेना और सबको वहां पर राधाष्टमी पर संध्या के समय 5 बजे तक आप लोग वहां पहुंच जाना। 5 से 8 बजे तक का कार्यक्रम होगा, बड़ा सुंदर कार्यक्रम होता है। देश विदेश से देखो हमारे साथ, अमेरिका से भक्त लोग आए हुए हैं और भी भक्त लोग आ रहे हैं अभी इस उत्सव को मनाने के लिए, क्योंकि राधा जी के बिना कृष्ण भी क्या है, आधा है, अधूरे हैं। तो बोलो श्री राधा रानी की जय। अब कर लो बात जो करनी है, बोलो। ऋषि वृंदावन बिहार हरे कृष्ण जय जय श्री राम करुणा कृपा कीजिए श्री राधे, करुणा कृपा कीजिए श्याम प्यारे चरणों में जगह श्री राधे, चरणों में जगा चरणों में जगा तो मैं लेकिन जब तो हाथ भाग ताले के साथ बोलेंगे श्री राधा श्री राधा See you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
सभी से निवेदन करा सभी बैठ जाइए अपने यथास्थान पे।